हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू टू माई चैनल वी के वी आज हमारा टॉपिक है हॉल इफेक्ट सेंसर हॉल इफेक्ट सेंसर क्या है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं व्हीकल्स में वो कहां कहां पर यूज़ होता है उन सब के बारे में हम बात करेंगे तो मैं विनय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में तो पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हॉल सेंसर की हॉल सेंसर के एप्लीकेशंस क्या क्या है तो हॉल इफेक्ट सेंसर जनरली आरपीएम पी सेंसर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं स्पीड सेंसर की तरह यूज किए जाते हैं और दे आल्सो यूज टू डिटेक्ट पोजीशंस ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें उनके एक्चुअल अपलीकेशन की तो क्रेंकशाफ्ट पोजुशन सेंसर्स कैमशाफ्ट पोजूशन सेंसर्स वीद स्पीड सेंसर दीज आर दी जनरल एग्जाम्पल्स एंड नाउ वट इज एक्सीटर पैडल पोजूशन सेंसर्स और थ्रोटल वॉल की पोजूशन को भी मेजर करने के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर्स का ही यूज़ किया जाता है तो जनरली टू हॉल इफेक्ट सेंसर्स दिए जाते, है जाते हैं एक्सीटर पैडल पोजूशन में थ्रोटल वॉल पोजूशन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हॉल इफेक्ट स्विचेज़ में भी ये यूज़ किए जाते हैं मतलब कि ये स्विचज़ हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं और ऑन ऑफ का प्रिंसिपल देते हैं इन्हें एक्टिव स्पीड सेंसर्स भी कहा जाता है जनरली हॉल हॉल इफेक्ट सेंसर्स को वाई बिकॉज दे नीड अ पावर सप्लाई अगर आप जानना चाहते हैं पैसिव स्पीड सेंसर्स के बारे में जो कि जनरली इंडक्टिव स्पीड सेंसर्स होते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट के बारे में कि हॉल इफेक्ट क्या है वो कैसे करते हैं तो, तो इसको समझाने के लिए मैं एक नॉर्मल मेटल की प्लेट लेता हूं जो कि हॉल इफेक्ट सेंसर्स के अंदर दी जाती है इस मेटल की प्लेट को अगर आप किसी भी सप्लाई uh, से कनेक्ट करते हैं बैटरी के थ्रू एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग तो करंट नॉर्मल डायरेक्शन में अपना फ्लो हो करके रिटर्न आ जाएगा तो नॉर्मल फ्लो है बिकॉज मेटल सो इट कैन द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ईजिली बट व्हाट हैपन्स वेन आई पुट अ मैगनेट तो जब मैं कोई मैगनेट यहाँ पर ला करके इसके नियर ऑब्जेक्ट पर रखता हूँ तो क्या होगा ये चार्जेस डिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और इसके डिफ्लेक्ट होने की वजह से थोड़ी देर के बाद ही मतलब थोड़ी देर इमीजिएटली ही बिकॉज ये इमिजिएटली होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर वन साइड इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज अदर साइड इज़ गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है अगर मैं यहाँ पर कोई मल्टीमीटर रखता हूँ और उस मल्टीमीटर से अगर यहाँ पर इन पॉइंट्स पर वोल्टेज को चेक करो देन आई विल गेट सम वोल्टेज बिकॉज यहाँ नेगेटिवली चार्ज है एंड दिस साइड इज पॉजिटिवली चार्ज तो यही इफेक्ट हॉल सेंसर्स में यूज़ किया जाता है नॉर्मली एक हॉल इफेक्ट एलिमेंट रहेगा जिसे हॉल इफेक्ट ये जो प्लेट है ये हॉल इफेक्ट एलिमेंट होता है एक मैग्नेट लगी होती है एंड दैट मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की कट होने से ये वोल्टेज चेंज होती है यहाँ पर और उस वोल्टेज के चेंजेस के अकॉर्डिंग इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स गैस करती है और मेजर करती है कि उसका सिग्नल क्या है आगे से अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो नॉर्मली हॉल इफेक्ट सेंसर है ये हॉल एलिमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर एक पावर सप्लाई अवेलेबल है वन इज़ ग्राउंड और ये प्लेट के दोनों साइड पे मेजर किया जा रहा है अब ये वोल्टेज बहुत ही माइक्रो वोल्टेज या मिली वोल्ट्स में होती है जिसको आ, जिसका यूज़ कर पाना एप्लीकेशन से बहुत ही डिफ़िकल्ट है सो नॉर्मली इनके साथ हाई गेन एम्पलीफायर्स यूज़ किए जाते हैं जो इस वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देते हैं एंड एम्पलीफायर्स आर आल्सो गेटिंग द सेम सप्लाई एंड दे आर गेटिंग द ग्राउंड आल्सो सेम बट ये जो एम्पलीफायर्स है ये एम्पलीफायर्स देते हैं नॉर्मली एनोलॉग सिग्नल आप कह सकते हैं साइन वेव साइन वेव ही देते हैं एनोलॉग सिग्नल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं बट जनरली आपने देखा हो अगर व्हीकल्स के अंदर ऑल दी हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर गिविंग डिजिटल सिग्नल बिकॉज डिजिटल सिग्नल्स के अकॉर्डिंग उनको उनको एप्लीकेशन में यूज करना बहुत ही ईजी होता है डिजिटली इन बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो तो यहीं पर ही ये लोग एक ट्रिगर लगाते हैं विद विदिट ट्रिगर इट स्टार्ट्स गिविंग द डिजिटल सिग्नल तो ये जो नॉर्मल ये जो पार्ट है हाई गेन एम्पलीफायर और सीमेंट ट्रिगर ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स है हॉल इफेक्ट सेंसर के अंदर तो नॉर्मली आप देखेंगे यहाँ पर एक पावर सप्लाई आ रहा है जिस जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी दे रहा है हॉल एलिमेंट को भी देता दे है दे आर गेटिंग द सेम ग्राउंड एंड प्लस वन आउटपुट सो दिस आउटपुट्स आर जनरली डिजिटल वेव सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट इट डिजिटल या कहीं पर ऐसा एप्लीकेशन है कि इसका साइन वेव आता है इट मीन्स वहाँ पर सिमिट ट्रिगर नहीं है ओनली हाई गेन एम्पलीफायर ही वो लोग यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखें व्हीकल्स में तो नॉर्मली ऐसा सेंसर्स होते हैं uh, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज़ दाउसिंग सेकेंड नंबर इज़ द वायरिंग यहाँ पर थ्री वायरिंग से आप देख सकते हैं दिस इज़ दिन इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर हाई गेन एम्प्लीफायर और सीमिट ट्रिगर रहेगा फोर्थ वन इज़ द परमानेंट मैगनेट एंड फिफ्थ वन इज़ द हॉल इफेक्ट एलिमेंट उसके बाद जिस गेयर का या जिस ऑब्जेक्ट का पोजीशन या स्पीड मेजर करना है उस वो यहाँ पर रोटेटिंग पोजीशन में रहता है एंड देर इज़ अ एयर गैप ऑल्सो यहाँ एयर गैप होना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे ये रोटेट होगा इट विल कट द मैग्नेटिक फील्ड तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कट करने से यहाँ हॉल इफेक्ट सेंसर के जो माइक्रो वोल्टेज है वो चेंज होती है और बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इलेक्ट्रॉनिक्स एनालाइज यस दिस इज़ अंड इट कैन क्रिएट अ डिजिटल वेव सो डिजिटल वेव नॉर्मली इस तरह की आएगी जब ये घूमेगा नॉर्मली अगर एप्लीकेशन की बात करें जैसे कि अगर क्रैक्श ऑफ पोजूशन सेंसेस की बात करें तो फ्लाई व्हील या जो जो व्हील्स है जहाँ पर तीथी टूथ बने होते हैं वहाँ पर वन और टू टीथ मिसिंग होते हैं जिससे उसे पता चलता है यहाँ पर एक वेव uh, कैंसिल हो जाती है एंड इट यू कैन आइडेंटिफाई येस कि एक राउंड उसका एक आर पी एम पूरा हो चुका है अगर जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ता है तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और डिजिटल सिग्नल्स की चेंज हो जाती है सो इट कैन आइडेंटिफाई डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंस डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी कि उसका आर क्या है उसकी स्पीड क्या है ये भी उसको एनालाइज करने में ईजी रहता है तो ये है बेसिक प्रिंसिपल हॉल इफेक्ट सेंसर और स्पीड सेंसर्स का अब अगर अगर बात करें कि इनको चेक कैसे करते हैं तो चेक करने के लिए नॉर्मली हॉल इफेक्ट सेंसर्स में थ्री पिंस होती है जैसा मैंने बताया वन इज़ सप्लाई वन इज़ ग्राउंड एंड वन इज़ द सिग्नल नॉर्मल इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करें और इसका ग्राउंड चेक करें मोस्ट ऑफ दी व्हीकल्स आर हैविंग फाइव वोल्ट पावर सप्लाई फॉर दी हॉल इफेक्ट सेंसर बट एज पर मैन्युफैक्चर कुछ सेंसर्स में ट्वेल्व वोल्ट सप्लाई भी दी जाती है बट जनरली दे के वर्क इफेक्टिवली एट अ फाइव वोल्ट सप्लाई तो आप यहाँ पर पावर सप्लाई और ग्राउंड की वायर चेक कर सकते हैं फाइव वोल्ट के लिए अगर यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो इट मीन्स बैक से जो कंटिन्यूटी से उसको सप्लाई आ रही है वहाँ कहीं प्रॉब्लम है या ये वायरिंग की कंटिन्यूटी खराब है तो इसके लिए आप ऊपर दिए लिंक पर मेरी वायरिंग चेक करने की वीडियो को भी देख सकते हैं एक प्रॉब्लम इनमें आ सकती है कि जो एयर गैप मेंटेन था वो एयर गैप में कुछ प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है या वहाँ कोई फोरन ऑब्जेक्ट है फोरन ऑब्जेक्ट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट या ऐसा कुछ इकट्ठा है जो कि एयर गैप को खत्म कर रहा है पर्टिकुलर पोजीशन पे जिसकी वजह से पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो तीथ फ्लाई व्हील के या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वो डैमेज है या वॉर्न आउट है दूसरा प्रॉब्लम रह हो सकता है जो इस सेंसर्स हैं इसकी पिन का क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस से मतलब यहाँ पे रस्टिंग मॉइस्चर या डर्ट का प्रेजेंस हो सकता है जिसकी वजह से सिग्नल ब्रेक होता है नेक्स्ट प्रॉब्लम एक आप इसमें चेक कर सकते हैं चेक करने के मेथड में इसकी वायरिंग ऑफ सिग्नल वायर तो अगर आपको फाइव फोल्ट मिला सप्लाई और ग्राउंड पे करने पे तो मन वो वायर तो ओके okay है उसके बाद बचते सिग्नल वायर तो सिग्नल वायर की आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूट से यहाँ तक इफ़ दैट ओके तो आप ऑसेलोस्कोप पे उसके सिग्नल का डिजिटल सिग्नल देखें कि डिजिटल वेव इज ओके और नॉट अगर डिजिटल वेव ओके है तो कंटिन्यूटी इज हैविंग द प्रॉब्लम डिजिटल वेव ओके नहीं है इट मीन्स सेंसर इज़ हैविंग द प्रॉब्लम और द अपर वन मीन्स द एयर गैप इज़ नॉट ओके और द क्लीनिनेस ऑफ सेंसर पे आर नॉट ओके ये प्रॉब्लम हो सकती है जनरली इसी तरह से हॉल इफेक्ट सेंसर को आप ईज़िली चेक कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू